हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट बड़ी ही बेसब्री से जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म के रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जामिया यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करने वाली है। तो फाइनली जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने और कौन से न्यू कोर्स लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और आप यहाँ पर jmi.co.in यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, ये सामने आपके जामिया की वेबसाइट आपके यहाँ सामने ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 2021-22। तो आप यहाँ से अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडमिशन क्लिक हर टू अप्लाई फॉर UGPG बीटेक बिहार सेशन 2021-22, यानी आपके जो भी कोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म है आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर सेकंड रो में देखेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 2021-22, आप यहां से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे क्लिक हर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन जामिया स्कूल, यानी ये आप स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये लास्ट में आपका जामिया स्कूल प्रोस्पेक्टस, यानी आप यहाँ से स्कूल प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप किस से किस डेट तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस से किस डेट तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स टेंटिव, यानी टेंटिव का जो मतलब है वो ये है कि अभी ये जो डेट है वो फिक्स है, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी कोविड की वजह से कुछ भी सही से नहीं हो पा रहा है, तो ये डेट आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन अभी जो फिलहाल डेट है वो यहाँ पर आपकी फिक्स डेट है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस 17 मई, ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 17 मई से 30 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर एडिटिंग 1 जुलाई to 5 जुलाई, यानी आप 1 जुलाई से 5 जुलाई तक आप फॉर्म एडिटिंग कर सकते हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, यानी आपके जो एडमिट कार्ड इशू होंगे वो आपके 15 जुलाई तक हो जाएंगे। और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका 26 जुलाई तक हो जाएगा। और लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम रिजल्ट जो है आपकी 30 सितंबर है। दोस्तों, आप यहां पर भी देख सकते हैं सब्जेक्ट टू चेंज अंडर प्रिवेलिंग पेंडेमिक सिचुएशन, यानी ये आपको मैं ऑलरेडी टेंटिव के बारे में समझा चुका हूं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं द यूनिवर्सिटी इज लॉन्चिंग एट न्यू कोर्स फ्रॉम द कमिंग एकेडमिक सेशन। फर्स्ट वन इज मास्टर ऑफ डिज़ाइन इन द फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, सेकेंड वन इज बी ए ऑनर्स फ्रेंच, थर्ड वन इज बी ए ऑनर्स स्पेनिश, फोर्थ वन इज एम एस सी इन्वायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट, फिफ्थ वन इज एम ए मास मीडिया हिंदी, सिक्स वन इज पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, सेवन वन इज पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, लास्ट वन इज MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अभी काफ़ी बोर्ड्स के एग्जाम नहीं हुए, अगर आप 10th या 12th क्लास में हो तो आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि आपके अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए, तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसमें अपने मार्क्स और अपनी 12th मार्कशीट मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।